जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने खासमहल स्थित वेयर हाउस का निरीक्षण किया, साथ ही तमाम राजनीतिक दलों के समक्ष ईवीएम का डेमो भी किया। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार यह निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिले के उप विकास आयुक्त, धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष ईवीएम मशीनों का डेमो दिया गया। जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने बताया कि आगामी दिनों में ईवीएम सीलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें भी तमाम प्रत्याशियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उनके समक्ष तमाम ईवीएम को सील कर स्ट्रांग रूम में भेजा जाएगा। तैयारी चल रही है। हम लोगों के जिले में कल ईवीएम का फर्स्ट रैंडमाइजेशन हुआ था, उसके पश्चात आज हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस में ईवीएम वेयर हाउस को बनाए और हम सब सीयू और डीयू को एज पर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी हमारे रैंडमाइजेशन के बाद पश्चात हमारी प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग उसको सेग्रीगेशन करेंगे और आज उनको सेग्रीगेशन करने की प्रक्रिया हम लोग चालू करेंगे। आने वाले 3 से 4 दिन में वो पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उनको अपने संबंधित स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा। ठीक है।